कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में। अरे बाबा बा ना। शूटिंग हो रही हो दिन दहाड़े, गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं। माननीय उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासन काल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह सिद्धानंद गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे प्रदेश? आप सारे अपराधियों को पालेंगे? उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग? एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है? और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम आठ कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला लेंगे। सरकार किसकी है? कहते काबा उत्तर प्रदेश में। अरे बाबा बा ना। उस नहीं तो हम तो है। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है।